नॉर्मल रजिस्टर चेक कर सकते हैं। यस सर। फ्यूज रजिस्टर। यस सर। कोल्ड रजिस्टर। यस सर। थर्मिस्टर। यस सर। दोनों हाथ खड़े करो थर्मिस्टर में। यस सर। चलो थैंक यू वेरी मच। और कैपेसिटर 3 लाख 4 लाख वाले कौन कौन चेक कर सकते हैं? यस सर। ठीक है और जाइए और चेक कीजिए और आज का दिन सुनहरा बनाइए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अब्दुल्ला एमडी जगड़िया, मैं असम से हूँ। तो मैं एकदम फ्रेशर हूँ। सो यहाँ आके पहला दिन क्लास करके मैंने इतना अच्छा लगा कि मैंने अगर ये पूरा कोर्स कर देंगे मेरा पूरा लाइफ सेटल हो जाएगा ऐसा सोच रहा हूँ। और यहाँ से सक्सेस होकर जाना है ये बताई करके सारा सब कुछ समझ में आया। हाँ सर। तो सामने आइए, आज इनका पहला दिन कैसा रहा इनका? ये तो जैसे फ्रेशर है एकदम। आप कुछ समय से काम भी कर रहे हैं? मैं तो काफी टाइम से कर रहा हूँ, पर ये जो बंदा है इसने मतलब कभी मोबाइल खोला भी नहीं। अच्छा। बिल्कुल खोला। और ये मल्टीमीटर कैसे ऑन हो रहा है वो भी इनको पता नहीं था। अच्छा। इन्होंने 5 बार सुबह EMMC रिवॉल्व किए सर। जी सर। और ये बताओ मेरे को कंपोनेंट का पूरा नॉलेज आया कि नहीं आया? मैं अगर कोई सा भी थर्मिस्टर कोई सी भी पीसी भी था थर्मिस्टर ढूंढ पाएंगे कि नहीं ढूंढ पाएंगे? अभी तीन ये थर्मिस्टर अभी मदरबोर्ड से निकाल के बताए। ऑल द बेस्ट। मैं राजस्थान से हूँ। हाँ जी। और हमारा आज पहला दिन था सर और बहुत ही बढ़िया रहा। सुबह 6 से 7 बार IC रिबोल्डिंग की और उसके बाद देव सर ने बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया। डाइवेट कंपोनेंट थर्मल रजिस्टर वगैरह बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखाया। क्या क्या तरीका क्या है पढ़ाने का यहाँ पर? बहुत ही बढ़िया एकदम। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ देव सर से, जो आपको आज पहली बार उनको यूट्यूब में देखा था, आज उनके सामने आपने क्लास एकदम अलग यूनिक तरीका सर समझाने का उनका, देव सर का बहुत ही बढ़िया तरीका। जो पहला दिन था हमारा बहुत बढ़िया हो गया। देव सर का सर बहुत बढ़िया क्लास था जी। तो हमने का क्या लेवल था पढ़ाने का? प्रो लेवल था एकदम सर। हमने सोचा भी नहीं था इससे भी ज़्यादा हमको पढ़ाया जी। और उसके बाद आपने प्रैक्टिकली क्लास में प्रैक्टिकल किया है? हाँ सर किया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तरंग देखने को मिल रहा है, पहला कौन सा मिल रहा है बताओ? ये किसके पास? ये किसके पास? ये किसके पास? ये वाला किसके पास? और ये वाला किसके पास? वाईफाई ध्यान देना, वाईफाई। अब ध्यान देना इसमें WPC क्यों नहीं है? A50 ये मेरे को कि आज आपने किस किस ने IC रिवॉल्व किया? सब मैंने 5 से 6 बार एक एक बार किया। मेरे को कि थर्मिस्टर कौन कौन ढूंढ सकता है? सब ढूंढ सकते हैं। कितनी देर लगेगी आपको? कोई सी भी पीसी भी आपने क्या स्केमेटिक से सीखा था? किसी ने स्केमेटिक का सहारा लिया क्या? जी नाम बताइए। सोहेल तनवीर है। सोहेल तनवीर कहाँ से हो भाई? बिहार से। बिहार से। तो बिहार से जबलपुर, दिल्ली पास तो पढ़ता था फिर भी जबलपुर आया सर। तो क्या होप लेके आए थे और आज की क्लास आपको देव सर की जो कंपोनेंट 1 की क्लास थी आपकी कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया था सर। जो यहाँ का पढ़ाने का टेक्निक है बहुत प्रो लेवल का है। दूसरे बात जो थ्योरिकल है और जो प्रैक्टिकल है पूरा अलग तरीके से सिखाता है, मतलब जो अच्छे से जो समझ में आता है उस तरह का सिखाता है। अच्छा। तो और आज आपने जो IC को कितनी बार रिवॉल्व किया आपने? सुबह में वही पहले 8 बार किए थे। 8 बार किया। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रहा है सर, क्योंकि हमको आता खुश नहीं था लेकिन आज पहली बार वो भी IC को रिवॉल्व करके बहुत बढ़िया लगा। अच्छा। और कंपोनेंट का नॉलेज पूरा मिला कि नहीं मिला आपको? हाँ। अभी मैं बात करूँ थर्मिस्टर को, तो कितनी PCB में आपने थर्मिस्टर ढूंढे? बाजू वाले की PCB में ढूंढे? 5 PCB में थर्मिस्टर ढूंढे आपने? हाँ। पांचों में मिले आपको? हाँ। जहाँ सर ने बताया था वहीं मिले? हाँ। आपको जहाँ हम खुद खोज के निकाले, जहाँ आप बोले तो वही निकाले। और मेरा आज पहला दिन था यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला, जो कि जिस लेवल पे आया था उससे ज़्यादा मिला, मतलब कि जो सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा सीखने को मिला। कादिर ये सोच के आए थे तुमको कि कंपोनेंट की और आज जो फर्स्ट IC की क्लास है इतनी कड़क मिलेगी आपको? बहुत नहीं, ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी अब बढ़िया मिलेगा मुझे सीखने के लिए। बहुत ही शानदार है यहाँ पे, अच्छा मिला है सीखने के लिए। सर ने क्या लेवल से पढ़ाया? सर की बात करूँ तो किस लेवल से पढ़ाया? देव सर ने बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया, क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं था, हम तो बिल्कुल ऐसे लेवल से पढ़ाए। आज इस लेवल से बहुत ही अच्छा
अच्छा पढ़ाया उन्होंने। अच्छा, और दूसरी बात अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ तो प्रैक्टिकल में पर्याप्त तो समय मिला आपको? बिल्कुल सर, ईमानदारी से पूरा पर्याप्त समय, किसी भी पे छान दिया आपने। अगर अभी दुनिया का कोई सा भी रजिस्टर के मैं बोलूंगा कि इसकी वैल्यू निकाल के बता दो तो निकाल सकते? बिल्कुल सर, निकाल सकते। अच्छा, ढूंढने में कितना टाइम लगेगा आपको? सर ढूंढने में तो अगर मैं अपना ही बात करूँ तो इसके अंदर 3 मिनट में एकदम ढूंढ दूंगा मैं। तीन मिनट में ढूंढ लूंगा। मैं थर्मिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, रजिस्टर की आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ। आप कितनी देखते से ही मालूम कर सकते कि नहीं? बिल्कुल देखते ही। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम अबू हनीफा है, मैं असम से ही आया हूँ। हाँ, आज मेरा पहला डे है जी। इधर आने के बाद जितने उम्मीद लेकर आया है एक दिन की क्लास में, ये विश्वास हुआ है पूरा उम्मीद पूरा करके ही जाएंगे। तो कैसा लग रहा है आपको देव सर का क्लास? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। कंपोनेंट का क्लास कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। उसका बाद फिर आपने यहाँ आके क्लास में प्रैक्टिकल किया? हाँ सर, ये एक डाउट क्लियर है आपका? क्लियर है। आपको जिस चीज़ के लिए आए थे वो चीज़ आपको कैसी मिली है? बहुत अच्छी मिली सर, ये सोच के आए थे उससे ज़्यादा मिली है सर। बात करूँ सर की, आपकी दोपहर की क्लास की, बहुत अच्छी थी सर। देव सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और समझाते हैं बहुत अच्छा। तो अभी कोई कंपोनेंट से, अभी दो कंपोनेंट हुए हैं, कंपोनेंट वन की क्लास हुई है आपकी? यस सर। तो कंपोनेंट टू की क्लास हमने कल रखी है। यस सर। तो वन में कोई डाउट है किसी का? नो सर। कंपोनेंट वन की क्लास पे किसी का डाउट है क्या? नो सर। मेरा नाम सलीम है, मैं अलीगढ़ यूपी बैठ से हूँ। अलीगढ़ से? यस सर। अलीगढ़ से भाई बहुत दूर से आया सर। मैं सर देव सर का रिव्यू देखे आया था, मुझे लगा था ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कुछ सीखने को नया मिलेगा। वैसे मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, तकरीबन 15 साल हो गए, लेकिन जो नॉलेज आज मिली है वो पहले कभी नहीं मिली सर। और जो सर का जो नॉलेज है पढ़ाने का, जो डीप लेवल पे जो समझाने का जो तरीका है सर, वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो कहीं पर भी मैंने देखा नहीं अभी तक जो है जी। तो सर मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, देखो दुनिया में नॉलेज सबको जी सर, बहुतों को नॉलेज है, काम भी कर रहे हैं, मोबाइल भी चालू कर रहे हैं, तो ये जो सिस्टमेटिक तरीका होता है तो वो सिस्टमेटिक तरीका मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल सर, बिल्कुल डिफरेंट तरीका मिला जो है, और पार्ट्स निकालने का और जो कंपोनेंट ढूंढने का जो तरीका वो बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल डिफरेंट है, सबसे अलग है सर। इसके पहले आपने आईसी को रिवॉल्व किया था? नहीं सर, मैंने आईसी को हरगिज़ नहीं लगाया था। यस सर। आपसे हुआ सक्सेसफुल तरीके से? यस सर। कितनी बार किया आपने? मैंने 5 बार आईसी रिवॉल्व किया है। तो प्रॉपर तरीके से करा कि तुक्के से करा? नहीं, प्रॉपर तरीका सिखाया हमको उसमें, प्रॉपर तरीके से किया। अच्छा, और कंपोनेंट की बात करूं मैं तो तुम्हारी कंपोनेंट की वन की क्लास थी आज देव सर के साथ, क्या एक्सपीरियंस रहा उनका? सर कंपोनेंट हम लोग सिर्फ आँख से देखते थे, मोबाइल के सर्किट में इतने ज़्यादा कंपोनेंट है कि उसको आइडेंटिफाई करना कर पाना बहुत मुश्किल काम है। पर देव सर ने इतना आसानी से हमको समझाया सब कंपोनेंट को, कैसे का क्लासीफाई करना है, अलग अलग कैसे करना है, कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, उसको पहचानना कैसे, ये सब ज्ञान आज हमको मिल गया, पहले ही दिन हमको ये सब मिल गया, पहले दिन ये चीज़ जी। अगर प्रशांत ये बात हो तो आप काम कर भी रहे थे, अगर यही ज्ञान आपको अगर पहले से होता तो आज की क्लास की बात करूँ तो आज आपको रिवॉल्व करने का ज्ञान होता और कंपोनेंट का ज्ञान होता तो फिर अभी पोजीशन क्या होती आपकी? वो आज से कहीं ज़्यादा गुना में आगे बढ़ सकता था। यस यस, गौरव महसूस होता है। मतलब आप कोई आज यहाँ मतलब साल या दो साल वाले टीचर से सीखने नहीं आए? नहीं सर, गौरव महसूस होता है कि चलिए। और फिर आपने प्रैक्टिकल क्लास में सारा ट्रेसिंग किया आपने? यस यस, मैंने सारा। अगर मैं कंपोनेंट की बात करूँ तो एक एक कंपोनेंट देखा, ट्रेसिंग किया, इवन एक एक कंपोनेंट को पहले देखा समझा एंड देन उसके बाद उसकी ट्रेसिंग हुई। ट्रेसिंग होने के बाद हमने आईसी रिबॉलिंग भी की, कम से कम हमने 5 बार आईसी को रिबॉल किया। मैंने आज तक कभी रिबॉलिंग किया नहीं था, आज का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था एंड आने वाले फ्यूचर में भी मुझे ऐसा लग रहा था और अच्छा हम कर पाएंगे। मैं फ्रॉम यूपी से, राम लखन यूपी से। भाई अयोध्या यूपी? यस। चलिए बताइए, तो आज पहला दिन कैसी रही क्लास? सर आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं EMC रिवॉल्व कर पाऊंगा। अच्छा, मैं रिवॉल्व करने से पहले डर रहा था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैंने सर 5 बार रिवॉल्व किया है जी, EMC को 5 बार रिवॉल्व किया है। चलो ठीक है, ये तो आपको बोलते हैं कि ये पंचर जोड़ने वाला काम है, रिवॉल्व करना बहुत ईजी काम है, पहले मुझे बहुत हार्ड, बहुत बड़ा काम, जितना करो उतना कम है। देव सर का इतना अच्छा रिव्यू है कि जितना सोचा था उससे बहुत ही हट के बहुत ही हाई लेवल पे, और ना ही MP में ना इंडिया, पूरा इंडिया में ना हो पाएगा किसी से। आप जो सोच के आए थे वो हो पूरी हुई आपकी? सर 100% से क्या 200% बोलूँ तो भी कम है वो तो। थैंक यू। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत।
कौन कौन लाइव है? कौन कौन लाइव है? सब लाइव है। आज कौन सी क्लास थी? हमारी पहली क्लास थी। डे फर्स्ट। कौन सा दिन था? फर्स्ट दिन। फर्स्ट दिन की सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। एक बार आपके लिए क्लैपिंग। जो आप एशिया टेलीकॉम में जुड़ने आए थे, जो एशिया टेलीकॉम में आप ढूंढने आए थे, वो आपको मिला कि नहीं मिला? 100% मिला। यस सर। 100% मिला। यस सर। 100% एशिया टेलीकॉम से भी मिला, और जितने स्टूडेंट बैठे हैं उनको भी 100% मिला कि नहीं मिला? पूरा मिला है। यस सर। ईमानदारी से। यस सर। चलिए, आपकी क्लास शुरू कब हुई थी? सवेरे 8 बजे। समय देख सकते हैं हम? यस सर। समय कितना हो रहा है? 10 बज रहे। तो खाने का ब्रेक तो 1 घंटे का दिया था आपको? यस सर। 1 घंटे का दिया था खाने का ब्रेक? 1 घंटे से कम था। घंटे का दिया आधा घंटे का। और 30 मिनट भी हुआ था क्या? 30 मिनट भी नहीं हुआ। 30 मिनट भी नहीं हुआ। 20 मिनट ऐसा कुछ होगा।
तो ऐसा क्यों भाई? जल्दी खा लेंगे सर, जल्दी खा लेंगे, जल्दी खा लेंगे, काम करना है, जल्दी खा लेंगे, ज्यादा पढ़ लेंगे, यही चीज होता ना हमारा। तो ये बताइए मेरे को कि आज आपकी क्या क्लास थी? कंपोनेंट। मॉर्निंग में क्या स्टार्ट हुआ था आपका? मॉर्निंग में क्या हुआ था स्टार्ट? आईसी रिबोलिंग और कंपोनेंट की। आईसी रिबोलिंग और कंपोनेंट की, कंपोनेंट। तो एशिया टेलीकॉम ये बोलता है कि तीसरे दिन पावर और चौथे दिन सीपीयू हर स्टूडेंट से लगवा लेंगे। वो लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते? लगवा सकते हैं। हमने पहले दिन आपको बोला था कि आईसी निकालना लगाना एक पंचर ढूंढने के समान है। यस सर। है कि नहीं है? यस सर। बहुत बड़ी बात है क्या? छोटी बात है। तो ये बताइए मेरे को कि आज आपने किस किस ने आईसी रिवॉल किया? सब 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 ने। मैंने पांच छह बार एक एक बार किया, पांच पांच बार किया। आप यहाँ फ्री में तो नहीं बैठे ना? No, sir. फीस दी है आपने ना? Yes, फीस दे के बैठे ना? Yes, sir. गलत रिव्यू दोगे क्या? No, sir. मतलब एशिया टेलीकॉम को बढ़ाने के लिए इस टाइप से कोई रिव्यू दोगे क्या? No, नहीं दोगे ना? No, जो फेक जो सही होगा वही बोलोगे ना? Yes, sir. तो और दोपहर में जिनको आप देख के आए हो, किनको देख के आए हो आप? सर का रिव्यू देख के आए। किन सर का रिव्यू देख के आए? किनका रिव्यू देख के आए? देव सर का। उनको देख के आए ना यहाँ पर? यस सर। तो आज उनसे साक्षात्कार होने का आपको मिला कि नहीं सौभाग्य? यस सर। तो वो जो सौभाग्य मिला, जो टीवी में देखा था आपने, वीडियो में देखा था, यूट्यूब पे देखा था, फेसबुक पे देखा था, उससे बढ़ के ज्ञान मिला कि काम हो? बढ़ के ज्ञान मिला ना? तो कंपोनेंट की जो आपकी क्लास थी, अब यही कंपोनेंट की क्लास इंडिया का कोई दूसरा टीचर देता तो क्या इतने बढ़िया तरीके से दे पाता? नहीं, 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 सर, वो एकदम अलग है सर। जी और इतना बढ़िया तरीके से और इतने सॉलिड तरीके से, मतलब आपको ये मालूम है कि आपका अभी आपको ये नॉलेज है कि आपको कौन से कंपोनेंट को जम्पर लगाना है, कौन से रजिस्टर को जम्पर लगाना है, है ना? आपके अगर कोई कहीं अदर शॉप से रिटर्न, अगर आपके पास अगर कोई रजिस्टर से रिलेटेड अगर मोबाइल आया था, कोई रजिस्टर ओपन कर देता है, तो ये आप पेड लाइन देख के बता सकते हैं, आप जी आर निकाल के बता सकते हैं हाई वैल्यू का लगेगा, लो वैल्यू का लगेगा या कितनी वैल्यू का लगेगा। अच्छा ये बताइए मेरे को कि थर्मिस्टर कौन कौन ढूंढ सकता है? सब ढूंढ सकते हैं। कितनी देर लगेगी आपको? कोई सी भी पीसी भी आपने क्या स्केमेटिक से सीखा था? किसी ने स्केमेटिक का सहारा लिया क्या? थोड़ा नाम बताइए अपना। मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं हरिद्वार से हूँ जी। और मेरा आज पहला दिन था यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला, जो कि जिस लेवल पे आया था उससे ज़्यादा मिला, मतलब कि जो सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा सीखने को मिला। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सर, मैं गुजरात से शेख फरीद जी। सर आज पहला दिन था हमारा जी, बहुत बढ़िया हो गया। देव सर का सर बहुत बढ़िया क्लास था आज जी। तो हमने तो का क्या लेवल था पढ़ाने का? प्रो लेवल था एकदम सर, हमने सोचा भी नहीं था इससे भी ज़्यादा हमको पढ़ाया जी सर। और उसके बाद आपने यहाँ प्रैक्टिकल की क्लास में प्रैक्टिकल किया है? हाँ सर किया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। तो एक एक चीज़ का प्रैक्टिकल हुआ बोर्ड वाइज? बोर्ड वाइज। आपने आपने थर्मिस्टर को भी फोन करा सर? सर प्रैक्टिकल हो गया। और आपने रजिस्टर को भी फोन करा? आपने कैपेसिटर को भी समझा आपने? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आप बहुत दूर से आए हैं। यस सर। थोड़ा सा अपना नाम बताएं, परिचय। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। अर्जुन, जम्मू कश्मीर से इतनी दूर से मध्य प्रदेश जबलपुर, यात्रा तो बहुत लंबी करना पड़ी होगी। यस सर। यात्रा लंबी करने के बाद जो आज आपको जिस चीज़ के लिए आए थे वो चीज़ आपको कैसी मिली है? बहुत अच्छी मिली सर, ये सोच के आए थे उससे ज़्यादा मिली है सर। बात करूँ सर की, आपकी दोपहर की क्लास की, बहुत अच्छी थी सर। देव सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और समझाते हैं बहुत अच्छा। तो अभी कोई कंपोनेंट से, अभी दो कंपोनेंट हुए हैं, कंपोनेंट वन की क्लास हुई है आपकी? यस सर। तो कंपोनेंट टू की क्लास हमने कल रखी है। यस सर। तो वन में कोई डाउट है किसी का? नो सर। कंपोनेंट वन की क्लास पे किसी का डाउट है क्या? नो सर। सबसे पूछ रहा हूँ, नो सर, कोई डाउट है क्या? नो सर। एक का भी? नो सर। रीडिंग के मामले में, थर्मिस्टर ढूंढने के मामले में, या आपको आइडेंटिटी के मामले में, कैपेसिटर को फाउंड करने के मामले में, कैपेसिटर की रीडिंग करने के मामले में, पीसीबी में कैपेसिटर की आइडेंटिटी क्या होगी और बाहर निकालने के बाद और पीसीबी में क्या होगी, एक एक चीज क्लियर है आपकी? यस सर। चलिए और ये बताइए, प्रैक्टिकल का आपको पर्याप्त समय मिला? यस सर। पूरा पर्याप्त पेट भर के? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जी, नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र है जी, मैं राजस्थान से हूँ। हाँ जी।
और हमारा आज पहला दिन था सर, और बहुत ही बढ़िया रहा। सुबह 6 से 7 बार आईसी रिबोल्डिंग की, और उसके बाद देव सर ने बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया, डायवेट कंपोनेंट थर्मल रजिस्टर वगैरह बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखाया सर। क्या तरीका है पढ़ाने का यहाँ पर? बहुत ही बढ़िया तरीका सर। सर के क्लास कितने घंटे की, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? करीब करीब 4 घंटे 4.5 घंटे 4 घंटे हुई, 4.5 घंटे 4.5 घंटे 4:30 कम से कम मेरे हिसाब से 12 बजे से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे की क्लास। हाँ, 5.5-6 घंटे की। 6.5-6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे। 5.5-6 घंटे की बात करूँ तो जिस समय आपको 12 बजे सर क्लास में आए थे, 12 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो गई थी, 12 बजे जब क्लास में आए थे तो सर की जाते जाते एनर्जी दिखी क्या कम? नहीं सर, बिल्कुल नहीं एनर्जी कम नहीं, एनर्जी नहीं है, जैसे बिल्कुल एनर्जी कम नहीं, इतना टाइम मत लगा और कंटिन्यू एकदम बहुत बढ़िया तरीके सिखाया है। तो वो बैठ के पढ़ाते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, एकदम खड़े रहते हैं, बिल्कुल बैठते नहीं सर। कुर्सी तो है नहीं, खड़े रहेगी पढ़ाए सब कुर्सियों। तो आप आए तो आप एक अच्छे टीचर से पढ़ने आए तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, इतने दूर से इसलिए तो आए। आपको गौरव लग रहा है कि एकदम बढ़िया टीचर से पढ़ने आए? एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि भाई मैं इतने टाइम पहले क्यों नहीं आया, मैं अभी महसूस कर रहा हूँ कि पहले आना चाहिए था मुझे यहाँ पे सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है बिहार से, जी नाम सोहेल तनवीर है। सोहेल तनवीर कहाँ से हो भाई? बिहार से। बिहार से, तो बिहार से जबलपुर, दिल्ली पास तो पढ़ता था, फिर भी जबलपुर आया आप सर, तो क्या होप लेके आए थे और आज की क्लास आपको देव सर की जो कंपोनेंट 1 की क्लास थी आपकी कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया था सर, जो यहाँ का पढ़ाने का टेक्निक है बहुत प्रो लेवल का है, दूसरे बात जो थ्योरिकल है और जो प्रैक्टिकल है पूरा अलग तरीके से सिखाता है, मतलब जो अच्छे से जो समझ में आता है उस तरीके से सिखाता है यहाँ। अच्छा, तो और आज आपने जो आईसी को कितनी बार रिवॉल किया? सुबह में वही पहले 8 बार किए थे। 8 बार किया, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रहा है सर, क्योंकि आता खुश नहीं था लेकिन आज पहली बार वो भी आईसी को रिवॉल्व करके बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, और कंपोनेंट का नॉलेज पूरा मिला कि नहीं मिला आपको? हाँ, अभी मैं बात करूँ थर्मिस्टर को तो कितनी पीसीबी में आपने थर्मिस्टर ढूंढे, बाजू वाले की पीसीबी में ढूंढे? पांच पीसीबी में थर्मिस्टर ढूंढे आपने? हाँ। पांचों में मिले आपको? हाँ। जहाँ सर ने बताया था वहीं मिले आपको? जहाँ हम खुद खोज के निकाले, जहाँ आप बोले तो वही निकाले। अच्छा, पूरा का पूरा रिजल्ट मिला? हाँ सर। अभी मैं कंपोनेंट की जो भी आज की क्लास में कंपोनेंट पढ़ाया तो किसी प्रकार का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? नो सर। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी। जी मेरा नाम सलीम है, मैं अलीगढ़ यूपी बैठ से हूँ। अलीगढ़ से? यस सर। अलीगढ़ से भाई बहुत दूर से आया हूँ। यस सर, मैं सर देव सर का रिव्यू देखे आया था, मुझे लगा था कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कुछ सीखने को नया मिलेगा। वैसे मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, तकरीबन 15 साल हो गए, लेकिन जो नॉलेज आज मिली है वो पहले कभी नहीं मिली सर। और जो सर का जो नॉलेज है पढ़ाने का, जो डीप लेवल पर जो समझाने का जो तरीका है सर, वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो कहीं पर भी मैंने देखा नहीं अभी तक जो है। तो सलीम, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, देखो दुनिया में नॉलेज सबको, जी सर, बहुतों को नॉलेज है, काम भी कर रहे हैं, मोबाइल भी चालू कर रहे हैं, तो ये जो सिस्टमेटिक तरीका होता है तो वो सिस्टमेटिक तरीका मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल सर, बिल्कुल डिफरेंट तरीका मिला जो है, और पार्ट्स निकालने का और जो कंपोनेंट ढूंढने का जो तरीका वो बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल डिफरेंट है, सबसे अलग है सर। और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको, खाली आज आपकी एक दिन की क्लास हुई। यस सर। सर चाहते हुए भी वो चीज़ आपको अभी बता नहीं सकते, जो सर को बतानी है वो आने वाली क्लासेस में बताएंगे आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होगा आपका काम। और आप सोच नहीं सकते, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर एक बुक में अगर आप पूरा कंटेंट लिख के लाते तो आपको नहीं मिल पाता वो चीज़ आप यहाँ से लेके। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और उसकी उम्मीद लग रही है आपको? बिल्कुल लग रही है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी सर, मेरा नाम मंगलाराम है, मैं राजस्थान से हूँ। मंगला, ये बताओ मेरे को मंगलाराम कि आज पहला दिन, इसके पहले आपने कभी आईसी या कंपोनेंट की? नहीं सर, मैं ब्रेसिंग करी थी क्या? मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मैंने कभी भी आईसी के हाथ भी नहीं लगाया आज तक। तो कैसा लगा आज आपको पहली बार आपने? बहुत ही अच्छा लगा। तो आपने कुछ तुक्के में करा कि प्रॉपर तरीके से करा? प्रॉपर तरीके से करा, प्रॉपर तरीके से करा। अच्छा, आप आपके गांव के पास के एक और स्टूडेंट है ना? अच्छा, कौन है वो? ये है, तो ये बताओ मेरे को कि इनका आज का पहला दिन, थोड़ा सामने आइए, आज इनका पहला दिन कैसा रहा इनका? ये तो जैसे फ्रेशर है एकदम, आप कुछ समय से काम भी कर रहे हैं? मैं तो काफी टाइम से कर रहा हूँ, पर ये जो बंदा है इसने मतलब कभी मोबाइल खोला भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। और ये मल्टीमीटर कैसे ऑन हो रहा है वो भी इनको पता नहीं था। अच्छा, इन्होंने 5 बार सुबह ईएमएमसी रिवॉल्व किए सर जी। और ये बताओ मेरे को कंपोनेंट का पूरा नॉलेज आया कि नहीं आया? अगर कोई सा भी थर्मिस्टर, कोई सी भी पीसी भी था, थर्मिस्टर अभी तीन ये थर्मिस्टर अभी मदरबोर्ड से निकाल के बताया।
चलिए ऑल द बेस्ट। चलिए हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। मैं प्रशांत पवार पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ जी। तो यहाँ पे आने से पहले मैंने यूट्यूब पे देखा था इसके बारे में और मन में थोड़ी शंका थी कि क्या रहेगा, क्या मिलेगा हमें इसमें से जी, जी। पर जब हम आए, हमारी पहले दिन की क्लास हुई तो देव सर ने ये मोबाइल का सर्किट इतना क्रिटिकल है तो उन्होंने एकदम आसान भाषा में हमको एकदम समझाया और सब मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना आसानी से हो जाएगा। हम लोग सब ट्रेसिंग वगैरह बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं अभी। तो ये बताइए कि क्या एशिया टेलीकॉम पैसे के लिए पढ़ाता है? नहीं सर, पैसे के लिए नहीं। दे चुके हो कल आप? यस सर। कल आप देख चुके हो? यस सर। देख चुके हो ना? यस सर। पैसे का लोभी होता तो मैं आज और संख्या मेरे पास ज्यादा होती है। यहाँ से बिना फीस के रिटर्न, बिना फीस के रिटर्न पहुँचा है ना? यस सर। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों मतलब आप ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए सर जिसका डेलीगेशन क्या है, जिसका डेलीगेशन क्या है सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और उसके अलावा कुछ नहीं। अभी कुछ भी बात होती है क्या आपके सामने? पढ़ाई के अलावा कुछ भी बात होती है? कोई टॉपिक होता है क्या? तो प्रशांत मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि सवेरे आपने इसके पहले आपने आईसी को रिवोल्व किया था? नहीं सर, मैंने आईसी को हर्जी नहीं लगाया था। यस सर। आपसे हुआ सक्सेसफुल तरीके से? कितनी बार किया आपने? मैंने 5 बार आईसी रिवॉल किया है। तो प्रॉपर तरीके से करा कि तुक्के से करा? नहीं, प्रॉपर तरीका सिखाया हमको उसमें। प्रॉपर तरीके से क्या? अच्छा, और कंपोनेंट की बात करूं मैं तो तुम्हारे कंपोनेंट की 1 की क्लास थी आज देव सर के साथ, क्या एक्सपीरियंस रहा उनका? सर कंपोनेंट हम लोग सिर्फ आग से देखते थे, मोबाइल के सर्किट में इतने ज़्यादा कंपोनेंट है कि उसको आइडेंटिफाई करना कर पाना बहुत मुश्किल काम है। पर देव सर ने इतना आसानी से हमको समझाया सब कंपोनेंट को कैसे क्लासीफाइड करना है, अलग अलग कैसे करना है, कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, उसको पहचानना कैसे, ये सब ज्ञान आज हमको मिल गया। पहले ही दिन हमको ये सब मिल गया, पहले दिन ये चीज़ मिल जी। अगर अगर प्रशांत ये बात हो तो आप काम कर भी रहे थे, अगर यही ज्ञान आपको अगर पहले से होता तो आज का मैं आज की क्लास की बात करूँ तो आज आपको रिवॉल्व करने का ज्ञान होता और कंपोनेंट का ज्ञान होता तो फिर अभी अभी पोजीशन क्या होती आपकी? वो आज से कहीं ज़्यादा गुना में आगे बढ़ सकता था। बढ़ सकते थे ना जी। अभी तो तुम्हारी पूरे महीने भर की क्लास जी सर। तो चलिए ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलिए और आइए, आगे आइए। सर मेरा नाम मोहसिन अली है, मैं कल्याण से आया हूँ। मोहसिन अली कल्याण से? कल्याण मतलब मुंबई से आया? मुंबई से आया। तो भाई बहुत लंबा सफर, मुंबई में भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे है, लेकिन सर जो रिव्यू देखा एंड देन उसके बाद आज का जो क्लास हुआ उससे लगा क्या हाँ अच्छा है। तो तुम्हारा रिव्यू देख तो कोई दूसरा स्टूडेंट मुंबई कल्याण से बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है इंस्टीट्यूट में, यहाँ दोनों ओरिएंटेड है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, मोस्टली यहाँ प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है। तो आ सकते हो। तो आज आपकी देव सर की क्लास थी? देव सर वॉज एक्सेप्शनली गुड, अगर मैं बोलूँ दैट उनका नॉलेज तो इट इज़ लाइक बहुत ऊपर है ना, हम सोचते हैं दैट हम इतना ले लेंगे लेकिन उससे कुछ ज़्यादा ही मिलता है। वो आप एक ऐसे टीचर से पढ़ने आए हैं जो मेन लीड करते हैं एशिया टेलीकॉम को, है ना? हर हर फैकल्टी के लिए अलग अलग टीचर है यहाँ पर, और बाकी जो मेन लीड करते हैं मिस्टर देवरतन अग्रवाल सर करते हैं यहाँ। ऐसे टीचर से पढ़ने आए हैं कि जो इंडिया में उनका 6 गूगल पे ऐप्स है उनकी, सॉरी एंड्रॉइड में ऐप्स है उनकी, 26 ऐप्स है और 3 वेबसाइट है और अनगिनत यूट्यूब चैनल है, लाखों सब्सक्राइबर है फेसबुक पे, उनके लाखों को फॉलोअर है, उनके साथ पढ़ने आए और 3 बुक्स लिख चुके हैं। तो ऐसे टीचर, आप ऐसे टीचर के साथ पढ़ने आए तो आपको थोड़ा गौरव महसूस होता है? यस 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 यस, गौरव महसूस होता है। मतलब आप कोई आज यहाँ मतलब साल या 2 साल वाले टीचर से सीखने नहीं आए? नहीं सर, गौरव महसूस होता है कि yes, sir, बिल्कुल। चलिए, और फिर आपने प्रैक्टिकल क्लास में सारा ट्रेसिंग किया आपने? यस यस, मैंने सर मैं कंपोनेंट की बात करूँ तो एक एक कंपोनेंट देखा, ट्रेसिंग किया, इवन एक एक कंपोनेंट को पहले देखा समझा एंड देन उसके बाद उसकी ट्रेसिंग हुई। ट्रेसिंग होने के बाद हमने आईसी रिबॉलिंग भी की, कम से कम हमने 5 बार आईसी को रिबॉल किया। मैंने आज तक कभी रिबॉलिंग किया नहीं था, आज का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था एंड आने वाले फ्यूचर में भी मुझे ऐसा लग रहा था और अच्छा हम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट जी। हेलो सर, मेरा नाम राम लखन है, मैं फ्रॉम यूपी से। राम लखन यूपी से? भाई अयोध्या यूपी? यस। चलिए बताइए, तो आज पहला दिन कैसे रही क्लास? सर आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं EMC रिवॉल्व कर पाऊंगा। अच्छा। मैं रिवॉल्व करने से पहले डर रहा था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैंने सर 5 बार रिवॉल्व किया है जी।
एमसी को 5 बार रिवॉल्व किया है। चलो ठीक है, ये तो हमको बोलते हैं कि ये पंचर जोड़ने वाला काम है, एमसी रिवॉल्व करना बहुत इजी काम है, पहले मुझे बहुत हार्ड बहुत बड़ा काम। आज कंपोनेंट की बात करूं, जो मेन इंपॉर्टेंट आपकी क्लास थी कंपोनेंट की थी, यस मेन जो इंपॉर्टेंट क्लास थी आपकी, सर ने बहुत अच्छा काम किया। तो सर के साथ आपका केमिस्ट्री कैसी रही, आपको पढ़ने का पढ़ाने का उनका तरीका, आपका समझने का, फिर आपने उनसे और नॉलेज लिया, उसका तरीका कैसा रहा आपके पास? सर का तरीका बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, मैं तो यही कहूँगा सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे। अगर यही क्लास अगर कोई अगर दूसरे इंस्टीट्यूट में गए होते, तीसरे टीचर ने दी होती? नहीं सर, कभी ऐसा नहीं, वो एक एक कंपोनेंट्स के कई रोल ही बताते हैं, कई चीज़ें बताते कई बताते हैं। अच्छा, आप वहाँ से कंप्लीट करके आए तो फिर आपको प्रैक्टिकल का पर्याप्त टाइम मिला सर? प्रैक्टिकल पूरा टाइम मिला, पूरा टाइम मिला। 8 बजे यहाँ पे आ गए थे और अभी 10:16 हो गए। अच्छा, 14 घंटे से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, चलिए वो सब ठीक है। तो आज की क्लास के बारे में क्या बोलना चाहेंगे और सर के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर के लिए क्या बोलना चाहोगे आप लोग? तो बनती है ना भाई, टीचर अगर हमारा लाइव देख रहे होंगे तो वही बोलेंगे कि यार बच्चे मेरे को है ना सर बहुत, है ना, आज उनने जो आपको दोपहर में पढ़ाया है 12 से लेकर 6 बजे तक या 5 बजे तक 5:30 बजे तक जो क्लास चली है, उसका रिजल्ट आपको इसलिए अच्छा मिल पाया यहाँ ट्रेसिंग क्लास में, आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल क्लास में, कि उन्होंने पढ़ाया जोरदार। यस सर, है ना, उनके पढ़ाने की बदौलत यहाँ पर प्रैक्टिकल अच्छा। बिल्कुल सर, प्रैक्टिकल में आ रही बात आप। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, मेरा नाम अब्दुल्ला एमडी जगड़िया, मैं असम से हूँ। तो मैं एकदम फ्रेशर हूँ। सो यहाँ आके पहला दिन क्लास करके मैंने इतना अच्छा लगा कि मैंने अगर ये पूरा कोर्स कर देंगे मेरा पूरा लाइफ सेटल हो जाएगा ऐसा सोच रहा हूँ, और यहाँ से सक्सेस होकर जाना है ये बताई कर दिया। कंपोनेंट की बात करूँ, सारा सब कुछ समझ में आया? हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, अली एक नाम है मेरा, छत्तीसगढ़ से हूँ सर। हाँ अली, अली बताओ, तुम थोड़ा जो है इस फील्ड में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो। जी सर, है ना, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो, मैं बोलूँगा कि वो काफ़ी टाइम कितने साल सर? 2-3 साल से। 3 साल से कर रहे हो, 3 साल का एक्सपीरियंस और आज के दिन का खाली सर? आज बहुत बेहतरीन सीखा, आज बनाई पहली बार कुछ अलग कंपोनेंट के बारे में जाना सर। सर की क्लास सर बेस्ट, कोई तोड़ सर का? कोई तोड़ नहीं सर, कोई तोड़े कोई नहीं सर, कोई तोड़े देव सर का है क्या? नहीं सर, कोई तोड़ नहीं, तोड़ के लिए अपने आप को तोड़ना पड़ता है और वो तोड़ के बैठे हैं अपने आप, है ना, डेडिकेशन है उनमें। तो और उसका जो आपने प्रैक्टिकल किया, सारा प्रैक्टिकल किया आपने क्लास में? जी सर, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है आपकी? जी सर पूरा। एक बात बताओ मेरे को कि अब तुम थर्मिस्टर कितनी देर में ढूंढ सकते हो? 2 सेकंड 2 सेकंड में जी सर फाइंड कर लोगे? आपको मालूम है कहाँ मिलेगा? यस सर। कैसा मिलेगा? यस सर। दिखता कैसा है? यस सर। काम क्या है? यस सर। कैसा लगा हुआ होगा? जी सर। चलो थैंक यू। मैं तनवीर अहमद, महाराजगंज यूपी से। हाँ जी तनवीर, बताइए आज पहला दिन पहली क्लास, थोड़ा बताइए क्लास के बारे में। सर बहुत अच्छा नॉलेज मिला हमें, इतनी डीपली नॉलेज मिला कि सोच जितना सोचिए उससे ज़्यादा कहीं मिल गया। तनवीर ये बताओ मेरे को कि ये सब सोच के आया था कि मतलब इस तरीके से इस लेवल से पढ़ेंगे को इतने आसानी से ढूंढ लेंगे? नहीं सर, इतना तो सोचा नहीं था कि इतना टेक्निकली मुझे टेस्ट करने को मिलेगा, उससे ज़्यादा कहीं मिल गया सर। अच्छा, तो आपने ICP बनाया सवेरे? ICP रिवॉल्व किया आपने? जी सर बनाया। कितनी बार किया? 4 बार किया। 4 बार, 4 मरतबा किया आपने? जी सर। 4 मरतबा करने के बाद आपकी देव सर के साथ क्लास थी, क्या लेवल की क्लास थी? उनका तो बात ही नहीं सर, उनका जैसे वीडियो में 3 साल पहले मैं देखता था उससे सर कहीं ज़्यादा मिला हमें, क्योंकि हम सब चीज़ नहीं डाल सकते ना भाई वीडियो में, हम हमारे नॉलेज का 10% डालते हैं वीडियो में, सारा डाल देंगे तो यहाँ कौन आएगा, है ना, और समझ भी नहीं पाएगा वो, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा जब तक समझ पाएगा? जो देखा था उससे कहीं ज़्यादा मिला हमें। और आपने उसका जो सर ने पढ़ाया उसने आपने कंपोनेंट का पूरा प्रैक्टिकल किया है? पूरा सर प्रैक्टिकल किया, और इतना नॉलेज है सर बाकी कहीं मिल नहीं पाता, ये जो है कैपेसिटर के बारे में सब बहुत डीपली मिला सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर मैं बिहार से हूँ सर। हाँ, और आज मेरी फर्स्ट क्लास थी। ठीक है, आज कंपोनेंट की क्लास थी और सुबह में हमारी AMC क्लास हुई थी, इसमें हमने मैंने 4 बार रिपोर्ट की थी AMC की। तुम्हारे भैया देख रहे हैं तुमको, लाइव देख रहे हैं। हाँ, क्या बोलना चाहोगे? मैं बोलना चाहूँगा सर बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, जो मैंने सोच के आया था उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो घर वाले निश्चिंत हो जाएं कि नहीं हो जाए? हाँ हो जाए निश्चिंत।
तो देखो भैया ने बहुत मुश्किलों से पहुँचाया आपको यहाँ पर, है ना, सब कुछ करके और उन्होंने यहाँ पहुँचाया उनके लिए, तो एक बार भैया के लिए क्या बोलना है, थैंक यू बोलना चाहोगे भैया को? बोलना चाहिए मम्मी को भी, मम्मी को भी और भैया को भी। चलिए ठीक है, तो फिर आपकी कंपोनेंट की क्लास कैसी रही? सर आज कंपोनेंट आज थर्मिस्टर ये सब हुई थी, तो उसमें सर देव सर ने हमें समझाया बहुत अच्छा से। क्या लेवल से समझाया सर? क्या लेवल था सर का समझाने का? सर वो तो बहुत लेवल था सर, क्या होता है एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा, और तुमने प्रैक्टिकल क्लास में पूरा प्रैक्टिकल किया? हाँ सर प्रैक्टिकल किया सर, सारे जो भी कंपोनेंट्स सर ढूंढे निकाले और टेस्ट किया। थैंक यू वेरी मच। बिहार से हो रहे हैं हमारे साथ? जी मैं मोहम्मद फिरोज अंसारी, बिहार से, अररिया डिस्ट्रिक्ट से। कितने साल से एशिया डेली काम आना चाहते हो आप? कारण चाहते थे किसी कारण से? मैं लगभग 3 साल से आना चाहता था, जो कि वीडियो कितने टाइम से देख रहे थे? 3 साल पहले से जो कि मैं आना चाहता था, पिछला महीने मेरा मिस हो गया है, जबकि इस महीने मैं कोशिश किया पैसा वगैरह सब कुछ, और उसके बाद में एशिया टेलीकॉम आ गया, जिस जितना सोच कर आया था उससे कुछ मेरे को ज़्यादा मिला। हरी बात। आज मैंने पहले, आज मेरा पहला दिन क्लास का था, मैंने लगभग आईसी 10 बार रिबोल किया, और एमएमसी का नहीं मतलब एमएमसी रिबोल किया 10 बार, और कंपोनेंट की क्लास थी हमारी आज। जी किनके साथ थी? जी देव सर के साथ। देव सर के साथ आपकी कंपोनेंट की क्लास थी, तो क्या लेवल से कंपोनेंट पढ़ा आपने? जी देव सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत हाई लेवल से पढ़ाते हैं, एक एक पूरा एकदम समझा बुझा के एकदम पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया से एकदम हर तरीके से, एकदम जो स्टाइल में आप समझिए, जो तरीके से समझिए वो तरीके से समझाते हैं। आपको ये प्रैक्टिकल क्लास में, प्रैक्टिकल में पर्याप्त तो समय मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है, तसल्ली से। तसल्ली से देखिए, कोई भी डाउट बाकी रहता है क्या? जी सब डाउट पूरा हो जाता है, क्लियर हो जाता है, क्लियर हो जाता है सब, जितना भी डाउट है सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है, सारी चीज़। तो अभी मैं बात करूँ कि अगर जो कंपोनेंट की क्लास थी, कंपोनेंट में जो बचे हुए, मतलब जो हमारी कंपोनेंट की 2 क्लास है, एक कल भी है और एक आज भी है, तो कोई किसी पर जो आज की क्लास में उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मैं खाली तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ फिरोज, मैं पूरी क्लास की बात कर रहा हूँ। जी क्या पूरी क्लास में किसी को डाउट है क्या? नहीं, है ना, ये मैंने प्रॉमिस करा था, ये एशिया टेलीकॉम ने आपसे प्रॉमिस किया था, अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट होगा, किसी भी प्रकार का आपका डाउट होगा, तो वो क्लास आगे नहीं बढ़ेगी, भले यहाँ पे घड़ी में अभी 10:30 बज रहा है, रात के 2 बज रहा है, है ना, वो क्लास कभी आगे नहीं बढ़ेगी, ये गारंटी है, ये गारंटी है, ये गारंटी है, ये गारंटी है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा नाम है अक्षर राठौर, नागपुर से। अच्छा बताओ, मैं आज फर्स्ट डे था क्लास भाई। अच्छा यस सर, नागपुर से उधर चले जाता ना, वहाँ मुंबई सीखने मेरे, इधर क्यों आया? ना सर रिव्यू देख के ही आया था, रिव्यू देख बहुत बढ़िया था, और एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, फर्स्ट डे है मेरा आज। अच्छा देव सर की बात करें आपसे? हाँ सर बिल्कुल। कैसा रहा सर? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया क्लास भी देव सर के साथ, पूरे डीपले लेवल से सिखाया, कंपोनेंट लेवल होकर सब कम्प्लीट। मैं बताऊँ कि एक समुंदर में आया हो आपने? बिल्कुल बिल्कुल। कि ऐसा कोई किनारे वाला कोई इंस्टीट्यूट है ये? नहीं 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 सर, पूरा समुद्र में आया, पूरा समुद्र में आया। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ से कितना लेके जाए, कितना लेके जाए। बिल्कुल लेने का करता हूँ, आप लोग उतना लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो और प्रैक्टिकल जो कंपोनेंट की ओवरऑल क्लास कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी सर, हर डिप्ले इसके ऊपर कुछ है क्या? नो सर नो, एंडलेस सॉल्यूशन मिल रहा है। यस सर, कंपोनेंट का एंडलेस सॉल्यूशन है, अगर जितने भी कंपोनेंट पड़े उसमें एंडलेस सॉल्यूशन है अपने पास सर, कोई पूरा डिस्प्ले लेवल में। ट्रेस करने का तरीका कैसा रहा? बहुत इजी लेवल है, ट्रांजिस्टर तो आज तक पता नहीं था, तो आज तो इजीली पड़ता देख वेलकम। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, मेरा नाम पाशा है, कर्नाटक से हूँ। पाशा कर्नाटक से, भाई कितने साल पहले फीस भरी तुमने आने की? 1 साल पहले। 1 साल पहले? 1 साल पहले से भर के बैठे? हाँ सर, 1 साल पहले भरी थी। तो इनके घर में कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए नहीं आया सर? हाँ मदर की प्रॉब्लम हो गई थी, पर इनका विश्वास एशिया टेलीकॉम पे ही था। कभी भी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं गया सर? मैं हाँ नहीं गए। हाँ सर, तो देव सर का वीडियो देख के आया, रिव्यू देख के और उनका पढ़ाने का तरीका सब देख के यहीं पर आया, भी 1 साल से भी किधर भी नहीं गया मैं। तो पाशा आज बात करूँ, आज इतने टाइम से तुम रुके हो, साल भर बाद आए हो, एशिया टेलीकॉम का वेट करके आए हो, वेलकम गया सर। वेलकम, तुम्हारा आज का वेलकम कैसा रहा, वेलकम डे कैसा रहा? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था सर। कैसा लगा, मतलब आप सवेरे की बात करूँ, दोपहर की बात करूँ, रात की बात करूँ, तीन हमारे 3 शो चलते हैं ना सर, सुबह दोपहर शाम 3 शो चलते हैं ना सर, 3 शो में किसी में कोई कमी किसी प्रकार की? कमी नहीं सर, ज़्यादा थी, कमी तो नहीं थी। अच्छा, एंडलेस सॉल्यूशन मिला, एंडलेस सॉल्यूशन मिला। क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए आप? वेलकम सर। Thanks.
चलिए ठीक है, हमारे नेपाल से भी हैं, आप दोनों आ जाइए साथ में, आप दोनों साथ में आ जाइए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अजय प्रजापति, मैं देवास से हूँ। देवास से अजय? यस सर। आप कहाँ से? मेरा नाम सुभाष लामिछाने, मैं नेपाल से हूँ। सुभाष नेपाल से। तो अजय, मैं तो सबसे पहले पूछना चाहूँगा, पहले दिन की पहली क्लास कैसी लगी? सर जितना करो उतना कम है, देव सर का इतना अच्छा रिव्यू है कि जितना सोचा था उससे बहुत ही हटके, बहुत ही हाई लेवल पे है, और ना ही एमपी में, ना इंडिया, पूरा इंडिया में ना हो पाएगा किसी से। आप जो सोच के आए थे वो होप पूरी हुई आपकी? सर 100% से क्या 200% बोलूँ तो भी कम है वो तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, बताइए। सुभाष नेपाल से इंडिया। यस सर। है ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट सुभाष। यस सर, इंटरनेशनल स्टूडेंट। यस सर। तो सुभाष ये बताओ मेरे को कि सुभाष मजा आया कि नहीं मजा आया पहले दिन में? मजा आया? क्या बोलना चाहोगे अपनी भाषा में? स्पेशल थैंक्स फॉर अपनी भाषा में। एशिया टेलीकॉम को धन्यवाद, मलाई वहाँबाट यहाँसम्म एडमिसन दिएकोमा। हैन, जे सोचेर आएको थिएँ त्योभन्दा बढी भइरहेको छ। होइन, अब यत्रो लङ ट्राभल गरेर आयो के होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ, तर सोचेको भन्दा धेरै भयो। अहिलेसम्म मैले आइसीको काम गरेको थिएन, आज हो फर्स्ट टाइम। थ्याङ्क यू। हमारा नाम विशाल त्रिपाठी है, हम सीधी से हैं। सीधी से? विशाल जी, ये बताओ मेरे को विशाल, सीधी से आप तो नजदीक ही रहते हो ना? जी जी, ज़्यादा दूर नहीं रहते हो। कितनी दूर दूर से स्टूडेंट आए हैं? काफ़ी दूर दूर से। काफ़ी दूर दूर से, मैं बोल सकता हूँ कि पूरा भारत के हर लगभग लगभग हर कोने से आए हैं। हर कोने से आए, पूरे कोने से आए ना, तो बाहर से भी। विशाल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पहले दिन की बात करूँ मैं, सवेरे की क्लास की, दोपहर की क्लास की और रात की क्लास की, तीन क्लास चली है। बहुत अच्छा, सवेर MMC रिबोलिंग फिर सर के साथ, उनका तो बहुत अच्छा था। क्या 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 लगा आपको? बहुत अच्छा। और अभी आपने शाम की क्लास में प्रैक्टिकल किया? वो भी बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। से मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीखो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?